कोशिश कर रहे थे कि शिक्षा हर घर तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे, कोई भी बच्चा भारत देश का अशिक्षित ना रहे, क्योंकि आज भी 25% बच्चे इलिटरेट है हमारे देश में, जो कि बहुत ही खराब लगता है मुझे सुन के। इसीलिए मैं घर घर जाके एडमिशन लेती हूँ। मैंने चौहान जी से भी डिस्कस किया अभी कि मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चा पढ़े। आपके आस पड़ोस भी कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाता है, तो गवर्नमेंट स्कूल हर जगह खुले हैं, हम लोग तो फीस नहीं लेते हैं, तो आप बच्चों को वहाँ भेजिए ताकि हर बच्चा शिक्षित हो। दूसरी मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चा रीडिंग करे, क्योंकि ठीक है हम लोग फोन यूज कर रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अच्छी पहल है बच्चों को स्मार्टफोन्स देने की। तो स्मार्टफोन्स तो आ जाएंगे, तो फोन में भी आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। उल्टे सीधे ऐप्स जो बच्चे यूज करते हैं वो गलत होता है, तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए। और एक चीज जो मैं हमेशा बताती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। अब जैसे अगर मैं 50 इयर्स की हो गई तो मैंने लिखना शुरू किया, पढ़ाई बहुत करी। मेरी तो जर्नी थी बहुत मुश्किल भरी थी कि 12th के बाद मेरी भी शादी हो गई, जैसे और घरों में पहले काफी साल पहले होता था। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे जो मतलब यहाँ पे ससुर बने, उनका जो सपोर्ट था, उन्होंने कभी बेटी और बहू में फर्क नहीं किया। तो हमारे जो बच्चे ये बड़े हो रहे हैं, उनको सबको सीखना है, जो लड़की हैं, जो लड़कियां हैं, सबको, कि एक तो दहेज प्रथा को खत्म करिए, बिल्कुल खत्म करिए। मैंने अपनी बेटे की शादी अभी करी पिछले अगस्त में, और इस शर्त पे करी कि मैं एक भी रुपया दहेज नहीं लूंगी। मैंने स्पेशली उसकी शादी पे एक लेक्चर दिया कि हर घर में बेटी और बहू का फर्क खत्म होना चाहिए। तो हमारा समाज कब तरक्की करेगा, जब हम लोग इन चीजों को अपनाएंगे। तो ये सभी के लिए जरूरी है। तो जब मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, तो मैंने उसके बाद पढ़ना शुरू किया और मैंने बीए एमए सब ससुराल के लेके किया, सब इन लॉज के। मैंने डॉक्टरेट करी इंग्लिश में, और मेरी जो कोशिश थी, मुझे 20 साल हो गए एजुकेशन फील्ड में, और मैं बहुत रीडिंग करती थी, बहुत सारा, मतलब कभी भी टाइम फ्री मिलेगा तो मुझे रीडिंग करनी है। तो एक राइटर थी वर्जीनिया वुल्फ, उन्होंने कहा आप तो कभी इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो बच्चे पढ़ते होंगे, बातें मत करिए पीछे, थोड़ा सा सुन लीजिए, ये सबके लिए। तो वर्जीनिया वुल्फ ने कहा, इफ समबडी रीड्स 1000 बुक्स ही विल बिकम अ राइटर। 1000 किताबें जितना पढ़ लेंगे आप अपने आप लिखना सीख जाएंगे। तो कोशिश करिए, पढ़ाई में सब कुछ है, सब कुछ है। मैं आज तक पढ़ती हूँ और ऐसे ही मैं राइटर नहीं बनी हूँ। जब मैंने पहली बुक लिखी 2 साल पहले, सबसे पहली मेरी एक महिलाओं के लिए किताब आई जिसका नाम था कोहिनूर, क्योंकि कोहिनूर मैं समझती हूँ कि हर महिला एक कोहिनूर है। तो मैंने उसमें लिखा है कि कोहिनूर की तरह तराशो ना मुझे, पत्थर की तरह फेंको ना मुझे, तुम्हारे घर का आंखों का नूर हूं मैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कोहिनूर हूं। तो महिलाओं की दर्द भरी दास्तान जो है, जो मुझे लगा कि कोहिनूर है हर महिला, तो मैंने उसमें लिखा, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करवाया मैंने, और उसके बाद मेरा सफर शुरू हो गया। मैंने 1000 कविताएं लिख ली और मैंने नॉवेल लिखी है स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको हम मानव तस्करी कहते हैं। तो हर किसी को, जब मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि हमने सब चीजों पर ब्रिटिशर्स को जाना है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। पर मानव तस्करी भी तभी शुरू हुई थी जो हमारी महिलाओं के साथ उन्होंने अत्याचार किया, हमें उसको भी जानना चाहिए। वो एक हिडन फैक्टर था, उसको किसी ने नहीं उठाया आज तक, और इसीलिए मुझे एक अवार्ड मिला भी कैलकटा में रिसेंटली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सेल थी, उन्होंने मुझे कैलकटा में मेरी नॉवेल पे मुझे अवार्ड मिला लास्ट मंथ।
और फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ। अब इस साल मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ लिख रही हूँ, क्योंकि मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ तो बच्चों के बहुत नज़दीक रहती हूँ। तो आई एम राइटिंग फॉर चिल्ड्रन और शॉर्ट स्टोरी स्टोरी बुक्स, और मेरी सारी किताबें अवेलेबल ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किंडल, जो भी आजकल चलता है। मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ और कोशिश करती हूँ। मैं मेरी एक हैबिट है कि मतलब एक ये होता है कि अभी बीमारी हो जाती है लिखने की, असल में ये हो जाता है कि जब तक मैं वो दो तीन घंटे लिख नहीं लूँगी तब तक मैं सो नहीं सकती। फिर मुझे, क्योंकि मैं कानपुर शहर को बिलोंग करती हूँ और कानपुर में कोई पब्लिश्ड ऑथर नहीं था, कोई राइटर नहीं था, तो ये सुन के बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैंने कहा मुझे अपने शहर को कुछ देना है, देश को तो देना ही है लेकिन मैं अपने शहर को क्या दे रही हूँ। मैं लाइब्रेरी जो हमारी है उसको डेवलप करा रही हूँ और स्कूल की लाइब्रेरी डेवलप करा रही हूँ, और सर से भी मेरी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ लाइब्रेरी खोलिए और मैं अपनी सारी बुक्स यहाँ पे गिफ्ट करूँगी सब बच्चों के लिए। आप लोग पढ़िएगा और रीडिंग की ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत करिए और फिर आप देखिएगा जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ रीडिंग से होता है। अच्छी किताबें पढ़िए, हजारों राइटर हैं लिखते हैं लेकिन हमारा देश में अभी भी रीडिंग की एक हैबिट नहीं है, वो बहुत पीछे। अगर हम कनाडा अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो राइटर्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमारी तो बुक्स मैम मिलियंस में बिकती हैं, और हमारे देश में क्या है, हम हर चीज पे खर्चा करते हैं लेकिन हमें सबसे पहला खर्चा एजुकेशन पे करना है। हर बच्चे की, हर बड़े की ये सोच होनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें और गिफ्ट हमेशा बुक्स पे, हमेशा बुक्स गिफ्ट करिए उसके पास, वो हमेशा सारी उम्र। मेरे पास जो मैंने 6th क्लास में पहली किताब खरीदी थी वो भी आज तक है। तो ऐसे ही है कि मैं चाहती हूँ हमारा देश बहुत आगे बढ़े, हर बच्चा शिक्षित हो, और जो यहाँ कोशिश है कि इतने सुंदर जगह इन्होंने कॉलेज बनाया है मुझे बहुत पसंद आया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।